बड़वा में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया। बड़वा विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों व कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में हुई अतिवर्षा से भारी तबाही व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आपदा प्रबंधन में असफल होने को लेकर एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन एसडीएम मिलिंद ढोके को दिया। अतिवर्षा से भारी तबाही को लेकर नगरपालिका के समीप से निकली भाजपा की रैली मुख्य चौराहा एमजी रोड गोल बिल्डिंग होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। एसडीएम को दिए गए 21 बिंदुओं के ज्ञापन का वाचन करते हुए जितेंद्र सुराणा ने बताया कि अतिवर्षा से भारी तबाही की भरपाई कमलनाथ सरकार नहीं कर पाई, वे आपदा प्रबंधन में नाकाम रही। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस वर्ष प्रदेश की 52 जिलों में से 32 जिलों में अतिवर्षा से बाढ़ में हजारों घर बह गए, गाय भैंस आदि मवेशी हजारों की संख्या में बहकर मर गए। किसानों के घर में रखी सोयाबीन, गेहूं, सरसों, लहसुन, चना आदि फसलें नष्ट हो गई। घरों की तबाही ऐसी हुई कि सर छुपाने की जगह नहीं बची। मुख्यमंत्री एवं मंत्री प्रभावित गांव में समय से नहीं पहुंचे। सरकार आपदा प्रबंधन में पूर्ण रूप से नाकाम रही। प्रदेश में इस वर्ष अतिवर्षा हुई है। अतिवर्षा के कारण इन जिलों की मुख्य फसलों में सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द, कपास, केला, संतरा व सब्जियों की खेतों में पड़ी फसलें नष्ट हो गई। सरकार इन सभी जिलों में कोई सर्वे न कराकर उसका 100% नुकसान मानकर किसानों को आरबीसी की पुस्तिका में उल्लेखित मुआवजा राशि प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए से दे।